गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग चुमारती। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप के बारे में पढ़े और उसमें हम लोग डिस्कस किए किसके बारे में, फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस किए, फॉसिल फ्यूल में भी बहुत सारे फ्यूल के बारे में डिस्कस किए, कोल के बारे में डिस्कस किए, कोक के बारे में डिस्कस किए, पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किए। तो पेट्रोलियम के बारे में जो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस करें तो उसमें ये बताएं कि पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। ये बढ़ता कैसे है जमीन के अंदर, जो आज हम लोग अर्थ को देख रहे हैं कि ये अर्थ सरफेस से पहले वो जलमग्न हुआ करता था, यानी पानी से ढका हुआ करता था। आज जो है वो सूखा सूख जाने की वजह से वो आज वो क्या है, लैंड नजर आ रहा है। पहले वो समुद्र में से ढका हुआ था। आपको ये मालूम होगा कि समुद्र के बॉटम में बहुत सारे प्लांट हैं जिसको हम क्या करते हैं, वाटर प्लांट कहते हैं। बहुत सारे जीव जंतु वाटर के अंदर रहते हैं और जब किप्स की वजह से जब ये प्लांट ये जानवर मर जाते हैं समुद्र के अंदर, तो उसकी बॉडी से टार निकलता है, एक लिक्विड निकलता है और वही लिक्विड को पेट्रोलियम बनने में लाखों साल लग जाते हैं हवा के एब्सेंस की वजह से और प्रेशर की वजह से। ये किसमें टर्न हो जाता है, पेट्रोलियम में तब्दील हो जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि पेट्रोलियम से क्या क्या चीज निकलता है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किए थे, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है और गैसोलीन निकलता है, टैक्स निकलता है, ये चीज निकलता है। और एक चीज हम आपको बता दें, डीजल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, केरोसिन निकल रहा है, ये सबका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है।
जिसका पाइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होता है वो उतना ऊपर, यानी बॉयलर के सबसे ऊपर वाले कंडेंस से निकलता है, उसके कम वाला उसके नीचे वाले से निकलता है, मतलब वो निकल करके निकलता है। इस तरह से उसको रिफाइन किया जाता है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ये भी डिस्कस किए थे कि जो क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकलता है उसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट वे में नहीं करते हैं। जो क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकलता है उसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट वे में नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना गाढ़ा और इतना गाढ़ा और क्या होता है चिपचिपा होता है और ब्लैक कलर का होता है, जिसका हम डायरेक्ट करना पड़ता है, रिफाइनिंग करना पड़ता है, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन क्या है कि सब सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग करके निकाल लेंगे। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, पेट्रोल का होता है। तो यानी पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, सबसे पहले पेट्रोल निकलता है, निकाला जाता है, उससे नीचे डीजल का होता है, डीजल फिर उसके बाद निकलता है बॉयलर के थ्रू। ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए थे पेट्रोलियम से एक और चीज निकलता है जिसको, यानी पेट्रोलियम में हम लोग पढ़ना था एलपीजी गैस के बारे में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये पेट्रोलियम ही है, ये पेट्रोलियम गैस ही है और मगर ये लिक्विफाइड है, यानी इसको प्रेस का यानी सर आवाज कट रही है, अगर इसको कंप्रेस करके लिक्विफाइड में हमारे सिलेंडर के अंदर डाल रखा है। तो इसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे बाबू कि एलपीजी जो होता है वो आइडियल गैस क्यों मानते हैं, एलपीजी को आइडियल फ्यूल क्यों मानते हैं, एलपीजी को आइडियल फ्यूल फ्यूल मानते हैं। क्या होता है कि या तो उसका एक तो ये कुछ पॉल्यूटेंट क्रिएट नहीं करता है, एलपीजी का होता है उसके बाद टेम्परेचर बहुत कम होता है, सुटेबल होता है, इतना भी कम नहीं होता है कि अपने आप आग लग जाए। जैसे आपको हम आपको बताते कुछ चीज ऐसे हैं जैसे येलो फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस, इनका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है, इतना कम है कि जैसे ही हवा में आता है उसमें आग लग जाता है। तो उसको किस में डाला जाता है, किरोसिन के तेल में डाल करके रखा जाता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर को वो पाए नहीं और उसमें आग नहीं लगी, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो। मगर उसका हमारा एलपीजी नहीं है, इसको आवाज कट रही है, इसका इस्तेमाल हम अपने घर में कर सके। अगर ऐसा होता बहुत ज्यादा होता हमारे घर में आग लग जाएगा। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस किए थे कि एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर जो भरा जाता है अगर फुल रहता है, क्योंकि वो पूरा भरा रहता है इसीलिए आवाज नहीं करता, जब हम अगर खाली भी कर दे यानी यूज कर ले और उसमें आधा एलपीजी बचा हुआ है, फिर जब हम उसको हिला के देखते तो वो हिल नहीं, उसमें पानी की तरह आवाज नहीं करता, जबकि वो लिक्विड फॉर्म में इसलिए नहीं करता क्योंकि वो कंप्रेस किया हुआ गैस है। जैसे जैसे हम उसमें गैस निकालते हैं निकालते हैं वैसे वैसे उसका कंप्रेसर यानी प्रेशर बढ़ होता जाता है। तो यही वजह है कि सिलेंडर के अंदर से एलपीजी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। जैसे जैसे हम यूज करते हैं उसका मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वैसे वैसे कमता जाता है, उसका यानी प्रेशर कमता जाता है, वो फैलता जाता है। ठीक है, ये चीज के बारे में। दूसरी बात हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि एलपीजी का अपना कोई स्मेल नहीं है, आवाज कट रही है, उसके अंदर ना तो इसके अंदर कोई स्मेल होता है ना इसका कोई कलर होता है। अगर लीक कर जाए कर जाएगा पता चलेगा कि एलपीजी लीक किया है। अगर हम मान लिया कि स्विच ऑन किए घर में आग लग जाएगा या किचन में आग लग जाएगा, तो इसके लिए इसको यानी ये तो बहुत डेंजरस चीज हो गया। इसके लिए इसमें क्या किया जाता है, एक एथिल मर्करी डाला जाता है, एक विशेष तरह की गंध होती है। जब आपके घर के अंदर एलपीजी लीक करता है तो आपको एक विशेष तरह की गंध जाती है जिससे पता चलता है कि वो गैस लीक करना है, जल्दी से बंद कर देते हैं, है ना। अगर हम एथिल मर्करी उसमें नहीं डालते तो गैस लीक करता भी जाता तो हमको पता नहीं चलता, अगर लाइटर मारेंगे हमें को आग लग जाएगा। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो वो था वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। एक चीज और हम लोग डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में, एलपीजी जो बना हुआ है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो कौन कौन चीज कौन कैसे मिल करके बना हुआ है? ज्यादातर उसमें मीथेन है, ईथेन, उसके बाद ईथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चार गैसों को कंप्रेस करके हमारा एलपीजी गैस बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में।
सर आवाज कट कट के आ रही है। हाँ तो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, दूसरा डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद हम लोग करेंगे सोलर एनर्जी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें विंड मिल, विंडमिल। यानी ये चार सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमको पढ़ना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ना है, विंड मिल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसा पावर प्लांट है जिसमें हम क्या करते हैं, नदी पे डैम बनाकर के नदी के पानी को इकट्ठा करते कॉलेज कर लेते हैं, और उस पर डैम बनाने के बाद उसमें जब हम क्या करते हैं, उसके बाद डैम के लिए उसमें गेट लगा होता है, उस गेट को खोलते हैं उसमें से पानी निकलता है बहुत प्रेशर ज्यादा। यानी जब हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसमें प्रेशर ज्यादा बन जाता है, और वो प्रेशर इतना ज्यादा बनता है कि गेट को अगर जैसे भी खोलते कि उसमें से पानी बहुत तेज रफ्तार से निकलता है, यानी बहुत स्पीड से निकलता है। और उसके सामने हम क्या करते हैं, टर्बाइन को डाल देते हैं। टर्बाइन का यानी वाटर के प्रेशर की वजह से टर्बाइन का ब्लेड इतना तेज स्पीड से घूमता है जिसकी वजह से उसके ऊपरी वाली हेड पर मोटर लगा होता है, वो मोटर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है, तो उसी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यानी इसमें बनता कैसे है, इसमें जो है ये डैम बना करके हम इसको पानी को रोके हुए, ठीक है। और जैसे ही इस गेट को हम ऊपर करते हैं, ये यहाँ से ऊपर तो ऊपर जाता है, इस तरह से जो पानी निकलता है बहुत ही तेज रफ्तार से निकलता है। तो इसके सामने हम क्या डालते हैं, एक ये लगा होता है टर्बाइन लगा होता है ये टर्बाइन, और इसका एक पोर्शन क्या होता है, मोटर लगा होता है। क्या लगा होता है, इस पे मोटर लगा होता है, मोटर लगा हुआ होता है। जब जैसे ये पानी इसको घुमाता है, इस तरह से घुमाता है, वैसे वैसे मोटर के अंदर, मोटर जो है के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। तो इसी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में आपसे पूछा जाए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसा प्लांट है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, तो उसमें हम ये बताएंगे कि हम नदी के बंद क्या करते हैं, डैम बनाकर पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, और जब उसमें से पानी को छोड़ दे हम बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत कम जगह से उसको निकालते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वो आगे लगे हुए टर्बाइन को घुमाता है, टर्बाइन के घूमने की वजह से उसके अंदर होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। दूसरा इसके बारे में हम लिखा है, बता रहे हैं थर्मल पावर प्लांट क्या है।
कार्बन पावर प्लांट क्या है कि पानी का एक बॉयलर होता है, पानी का क्या होता है एक बॉयलर होता है, और वो बॉयलर को नीचे से गर्म किया जाता है, उस बॉयलर को क्या किया जाता है नीचे से गर्म किया जाता है, और जब हम पानी को गर्म करेंगे तो सवाई बात है क्या होगा स्टीम बनेगा, क्या बनेगा स्टीम बनेगा, और ये स्टीम क्या करता है टर्बाइन को घुमाता है, ये स्टीम क्या करता है टर्बाइन को घुमाता है, वो टर्बाइन के घूमने की वजह से उसके दूसरे एंड पे मोटर लगा हुआ उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो ये भी एक पावर प्लांट है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और थर्मल पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। उसके बाद जो अगला है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, और कि ये क्या है कि जब एक ऐसा लेयर से बना हुआ और आर्सेनिक से बना हुआ बैटर लेयर जब उस पर सन का लाइट पड़ता है बहुत तेज सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में इकट्ठा कर लिया जाता है, जब लाइट नहीं होता है तो उसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में बल्ब को जलाने में फैन को चलाने में हम लोग करते हैं, तो ये सोलर एनर्जी है। तो ये सोलर एनर्जी के बारे में हम लोग को और भी स्टडी बहुत ज्यादा स्टडी करना है इस बुक में, इसलिए सोलर एनर्जी वैसे एनर्जी है इसको ही कारगर बना करके हम लोग गाड़ी भी चला सकते हैं, ये भी कुछ ये बिजली की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, तो ये क्योंकि ये सन है कभी खत्म नहीं होने वाला, सन तब तक रहेगा जब तक अर्थ पे लाइफ रहेगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी के बारे में हम लोग को ज्यादा जानना चाहिए और हमको इस पर ज्यादा ये आगे चलकर रिसर्च पूरा करना चाहिए ताकि हमारे आस पास में क्या कर सके, हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको स्टोर कर सके और ये हमारे काम का हो जाए, तो ये सोलर एनर्जी हो गया। दूसरा है विंड मिल, विंड मिल क्या है तो हम बताते हैं कि क्या होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में आप जो जहाँ कम प्रेशर वाला एरिया होता है, कम प्रेशर वाला एरिया कहाँ होगा मैं जहाँ रेगिस्तानी इलाका होगा, जो रेगिस्तानी जगह होता है वहाँ एटमोसफेयर का प्रेशर कम होता है क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ने की वजह से हवा गर्म होता है, और जब हवा गर्म होता है तो लो प्रेशर एरिया बनता है, वो कैसा एरिया बनता है लो प्रेशर एरिया बनता है, जो हाई प्रेशर का जो एरिया होता है वहां से हवा बहुत तेज रफ्तार से आता है इस लो प्रेशर की ओर से, तो इस एरिया में क्या किया जाता है बहुत ऊंचा ऊंचा पोल बना करके उसमें बहुत लंबा यानी हमारे हाइट से भी लंबा लंबा क्या होता है ब्लेड लगा होता है, उस ब्लेड पर वो उस पोल पे डाल दिया जाता है, उसके पीछे मोटर लगा होता है, जैसे ही तेज रफ्तार वाला हवा गुजरता है तो उस ब्लेड को घुमाता है, ब्लेड क्या होता है घूमता है, और वे ब्लेड के घूमने की वजह से अंदर जो मोटर लगा हुआ उसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है, तो ये हो गया विंड मिल के बारे में। ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं, इसके इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं, हम लोग थर्मल पावर प्लांट का बहुत कम करें, सोलर एनर्जी का कम करें, बिल्डिंग का कम करें, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कम करें, कुछ सर इलेक्ट्रिसिटी का सब इस्तेमाल कर मगर हम बना रहे हैं वो तो हम मेरी सरकार गवर्नमेंट बना रही है ना, सब हम तो नहीं बना रहे, सब लोग तो अपने घर में यूटिलाइज तो नहीं कर रहा, तो ये चीज के बारे में हम लोग भी बता रहे थे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। आज हमको थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ जाना है, ठीक है, आज इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम और डिस्कस करेंगे, ओके ठीक है, तो आज इतने ही रहने देते हैं, ओके बाय।